कराची वालों, बारिश तो अभी शुरू हुई है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों ने ये भी बता दिया कि 14 जुलाई से मॉनसून का नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसके बाद फिर 18 जुलाई तक अबर बरसता रहेगा। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, कहीं कहीं हल्की बारिश, शदीद हब्स का मौसम बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी गुज़िश्ता 20 घंटों से मौतल। डिफेंस फेज 4, गुलस्ताने जौहर, महमूदाबाद और शहराए लियाकत के अतराफ के इलाका मकीन बिजली को तरस कर रह गए। कराची में बारिश से जामे क्लॉथ और बोल्टन मार्केट की दुकानों में पानी दाखिल, ताजर परेशान। आईआई चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स से गवर्नर हाउस और वजीराला हाउस जाने वाली सड़कों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर में तूफानी बारिशें और सैलाबी सूरतेहाल के पेश नजर पाक फौज के जवान अमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5% से तजावुज कर गई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। मुस्बत केसेस की शरह 5.46% रिकॉर्ड की गई। और ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। कहीं गाय, कहीं बकरे जिबा तो कहीं ऊंट कुर्बान किए जा रहे हैं।